Hello my beauties, welcome back to my channel. This is me, your Smithy, and today I am going to create this look. So guys, आज का जो ये look है, it is a requesting video. So मुझे request आ रहा था to create a office going look. जो focus किया है मैंने वो किया है eyes में, और you can see the look for the eyes. आई होप एंड विश कि आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा. सो वीडियो पे जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. उसके साथ में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी हम करेंगे अपना स्किन केयर सबसे फर्स्ट. तो सबसे पहले हम लोगों को अपना करना है फेस वॉश. सो मैंने अपना फेस वॉश, लाइक मेरा फेस क्लीन है. उसके बाद हम यूज़ करेंगे टोनर. सो फेस वॉश आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हो. उसके बाद मैं आज यूज़ कर रही हूँ रोज़ हिप का टोनर, और इसका जो प्राइस है वो है 245 रुपीज़ फॉर 200 ml. इसको मैं अपने फेस पे कर लेती हूँ स्प्रे. सो या मैं इसको स्प्रे कर चुकी हूँ. थोड़ा सा हेयर को बांध लेते हैं, नहीं तो हेयर में भी आ जाएगा मेकअप वगैरह, तो हेयर है ना. देन वी विल जस्ट टैप टैप करेंगे इस तरीके से. उसके बाद हम यूज़ करेंगे सीरम. तो सीरम के लिए मैं यूज़ करूँगी आज ये डॉट एंड की का सीरम. दिस इज़ माई फेवरेट सीरम गाइस. ये हाइलुरोनिक एसिड कंसनट्रेट है इसमें. ये 30 ml का है मेरे पास, और इसका जो प्राइस है वो है 975, बट वर्थ इट है गाइस. मुझे बहुत पसंद है एंड आई एम जस्ट सो मेकअप से पहले स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए डूइंग दिस स्टेप्स एज वेल फॉर यू. उसके बाद मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एम कैफेन का लैटे कॉफ़ी मॉइस्चराइजर. इसका प्राइस जो है वो है 449 रुपीज़, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका स्मेल इज़ जस्ट लाइक कॉफ़ी. आई जस्ट लव दिस. इसको थोड़ा सा ले लेते हैं एंड अपने फोरहेड वगैरह में अप्लाई कर लेते हैं. और एक बात बता दूं, जैसे कि आप लोग कभी ऑफिस जाओगे, मतलब आप आउटडोर जाओगे, सो यू हैव टू यूज़ अ गुड सनस्क्रीन लोशन एंड लाइक अगर हो सके डू यूज़ दैट लोटस का सनस्क्रीन. मैंने ऑलरेडी रिव्यू अपने चैनल पे दे रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई बटन में भी मेंशन कर दूँगी, तो वो भी चेक करना. वो वाला यूज़ करोगे तो इट्स वेरी गुड. अच्छा SPF है, स्वेट प्रूफ भी है. सो यू कैन सी हाउ परफेक्टली माई स्किन गॉट मॉइस्चराइज्ड. और आपको जो भी अप्लाई करना है, लाइक फाउंडेशन बेसिकली यू हैव टू अप्लाई इन योर नेक एज वेल, बट ये देखिए माई स्किन इज जस्ट ग्लोइंग, आई एम लविंग इट. ओके, उसके बाद आई हैव सम मार्क्स हियर एंड हियर, इवन सम मार्क्स ओवर हियर. ओके, ये गाल तो क्लीन है विद अ ब्लैक मोल ओवर हियर. ठीक है, देन इट्स ऑलरेडी सटल. उसके बाद आपको यूज़ करना है सनस्क्रीन, बट यहाँ पे मैं भी यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर. सो प्राइमर बेस के लिए आई एम यूजिंग दिस विज ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर, और ये मैंने 01 शेड पे लिया है. इसका जो प्राइस है दैट इज़ 349. सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट. ये प्राइमर और हाइलाइटिंग दोनों का काम करता है. हाइलाइटिंग इन द सेंस इट विल गिव अ ग्लो टू योर स्किन, दैट्स व्हाट मीन्स टू बी हाइलाइटिंग ओवर हियर. ठीक है, मतलब वो हाइलाइटर यूज़ करना नहीं. फाउंडेशन आई हैव योर टू ऑप्शन फॉर मी, दिस इज दिस वन. ये है फिट मी का फाउंडेशन इन द फॉर द रुपीज जस्ट 299, और ये है फाउंडेशन फॉर रुपीज 475. ये आपको 299 में मिल जाएगा, ये 475 में मिल जाएगा, और अमेजोन पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एडिशनल.
सो दिस टू प्रोडक्ट्स आई हैव, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो. आई मीन द शेड 330, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बट यू कैन यूज़ एनी डार्क फाउंडेशन विथ अ लाइट फाउंडेशन, वो आपके स्किन में लाइक प्रॉपर शेड आ जाएगा. ठीक है, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डार्क, एकदम बहुत डार्क नहीं, थोड़ा सा डार्क होता है, बट इट्स ओके. यू कैन लाइक आई कैन वेयर दिस एंड आई कैन गो आउट एज वेल, सो आई जस्ट लव दिस वन. ऑल्सो दिस वन टू, ये है कूल सिनेमॉन 300 और ये तो है 330 फाउंडेशन. ठीक है, सो उसके बाद अभी हम पहले अपना फाउंडेशन ही अप्लाई कर लेते हैं. उसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन के लिए. सो आई हैव अ फिक्सर विथ मी, तो मैं फिक्सर ही अप्लाई करूँगी ताकि ये ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा डैम हो जाए. ठीक है, और फिक्सर इसलिए अप्लाई कर ताकि हमारा फाउंडेशन भी फिक्स हो जाए. ठीक है, इस तरीके से हम अप्लाई करने वाले हैं. सो अगर आप कंफर्टेबल हो फाउंडेशन ब्रश से अप्लाई करने में तो यू आर वेरी लाइक योर विश, आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, इस तरीके से डॉट डॉट देख के भी आप यूज़ कर सकते हो. और इससे ना थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए मुझे इस तरीके से लेना ही पसंद है, हाथ में लेके डॉट डॉट करके दो, है ना. बात हम करेंगे स्प्रे. सो हियर आई हैव टू फिक्सर विथ मी, दिस वन इज फेस ब्यूटी का फिक्सर एंड दिस वन इज इनसाइड का फिक्सर, एंड बोथ आर अंडर लाइक 120-150 रुपीज आई गेस, बट मुझे इसका स्मेल बहुत पसंद है, सो आई एम यूजिंग दिस वन. सो इस ब्यूटी का भी स्मेल अच्छा ही है, बट इनसाइड का स्मेल तो बेस्ट है. इट्स सो 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 रिफ्रेशिंग गाइस. अभी हम आराम से इसको टैप 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 कर लेंगे. एंड आई हैव माई मोस्ट फेवरेट कंसीलर विथ मी, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर. एक्चुअली ना ये जो कंसीलर है, ये मेरा जो शेड है ये वार्म सैंड है. कंसीलर हमेशा आपको अपनी स्किन टोन से लाइट ही मंगवाना चाहिए, बट मैं हमेशा अपने स्किन टोन का ही कंसीलर मंगवाती हूँ. नो वाई, बट क्या होता है ना, ये जो डार्क वगैरह रह जाता है ये बहुत इजीली अपने शेड वाले कंसीलर से मतलब ढक जाता है. दैट्स द रीज़न एक्चुअली. बट ऐसे कहते हैं कि यू शुड अप्लाई अ लाइट शेड कंसीलर, बट फॉर दिस इट्स अप टू यू, आप क्या करो, बट दैट्स माई फेवरेट शेड. ऑल्सो दैट्स माई लाइक फेवरेट कंसीलर. जो भी आपके पास है आप वो ही यूज़ कर सकते हो. ओके, अगेन हम करेंगे ब्लेंड. ऑलरेडी ये मेरे ही शेड में था वो, बट यू कैन सी द पिंपल्स, वो चला गया, इसीलिए मुझे ये वाला शेड पसंद है, ताकि एकदम नेचुरल नेचुरल लगता है एकदम ये वाला, है ना. और मेकअप में क्या है ना, यू हैव टू डू कंटूरिंग एंड ऑल, इफ यू विश देन यू मे, इफ यू नॉट देन यू मे नॉट. ओके, सो इट्स फुल्ली अप टू यू. मैंने देखो यहाँ पे जो स्पॉट्स थे इट्स ऑल गन. आई एम इन लव विद दिस कंसीलर गाइस, अगर हो सके यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस कंसीलर लाइक इन योर शेड और इन योर परफेक्ट शेड. दिस इज माई परफेक्ट शेड वाला कंसीलर, दैट्स व्हाट आई एम अप्लाइंग ऑन माई ओवर ऑल ओवर माई फेस. अगर आपको नो फाउंडेशन लुक भी करना है, यू कैन जस्ट गो विद दिस कंसीलर. दिस इज द बेस्ट कंसीलर एवर, आई एम इन लव. दिस इज आई थिंक माई फिफ्थ पैक, आई एम श्योर. ये अभी न्यू पैकेट से मैंने ओपन किया, दिस मे बी माई फिफ्थ और सिक्स पैक, आई एम नॉट श्योर.
उसके बाद हम करेंगे अपना फाउंडेशन को सेट विथ अ कम्पैक्ट पाउडर. दिस इज़ द ब्लू हेवन का कम्पैक्ट पाउडर. दिस इज़ ऑयल कंट्रोल कम्पैक्ट पाउडर और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 165 रुपीज़. आपको सब कुछ अमेजोन पे मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूँगी. और कुछ जैसे मुझे PR वगैरह में मिला हुआ है, तो अगर उसका लिंक ना नहीं मिले तो मैं अलग साइट जैसे नायका पॉपल से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ. ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 2-3 प्रोडक्ट्स ही, मतलब सारे आपको अमेजोन पर तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर, बट स्टिल अगर ना मिले क्योंकि PR वगैरह होता है ना, तो फिर वो कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन पर नहीं भी होता है. जैसे कि मुझे डाउट है कि ये वाला है क्या नहीं, मतलब ब्लू हेवन का अलग वाला तो है आई नो, दूसरा वाला जो है कॉम्पैक्ट, बट ये वाला है या नहीं आई एम लिटिल डाउट. होगा तो डेफिनेटली मैं दे दूँगी, बट ये वाला बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है. आई जस्ट लव दिस. ओके, सो नाउ लेट्स डू द ब्राउज गाइस. ब्राउज में इतना कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है. आई हैव दिस लाइक ब्लू हेवन का ब्राउ परफेक्टर. इट हैज़ ए कोम विथ इट एंड ब्यूटिफुल सा एक ब्राउन शेड इधर पे ही ऑपोजिट साइड में. जस्ट लेट अस कॉम अवर ब्राउ फर्स्ट, देन यू डिफाइन अप वो आप इस तरीके से अप्लाई करना है. पहले यू हैव टू ड्रॉ If you wish to go with a wax, then you can prefer Swiss Beauty का brow kit. वो भी बहुत amazing है. अभी हम फिर से इसको comb कर लेंगे to get the shape. Now हम थोड़ा सा करेंगे अपना eye makeup. If you wish, then you can go with it or you can skip. So this one I have the March Cosmetics का eye shadow with ₹349 with me. So here I have two brushes, one is from Swiss Beauty and one is from Color Love Makeup. और उसके बाद we will be very light to our eyes today, very light. ये वाला शेड ले रही हूँ मैं, ये वाला. And we are done because office में कुछ ज़्यादा overlook हम नहीं कर सकते, मतलब पसंद नहीं होता और क्या, बट अगर लव है यू मेक डू विद एनी शेड. यू कैन प्ले ऑल द शेड, इट्स अमेजिंग. अगर थोड़ा सा ग्लिटरी करना हो तो यू कैन गो फॉर दिस शेड, दिस वन, जस्ट अप्लाई इन द मिडल. ओके, हियर इस तरीके से, दैट्स इट. और ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, और मतलब इट्स अप टू यू और इट्स डिपेंड टू ऑन योर ऑफिस, राइट. क्योंकि कुछ ऑफिस में है कि या यू कैन बी फैंसी, बट कुछ ऑफिस में है यू हैव टू बी फॉर्मल. सो इट्स फुल्ली ऑन यू. तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटरी लेके बीच में दे देंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से. और ये जो ब्राउन वाला शेड है इसको लेके अपना लोअर लैश में, बहुत ही माइल्ड लुक लग रहा है. जस्ट लविंग दिस. ओके, उसके बाद हम करेंगे और थोड़ा सा मेकअप. सो मेकअप के लिए हम करेंगे लाइक आई मेकअप के लिए हम जाएंगे. सो आई हैव हियर वन काजल फ्रॉम ब्लू हेवन एंड अ लाइनर फ्रॉम इनसाइड. अगर आपको ऐसा चाहिए, आपको पूरा ऑफिस आवर्स तक ही आपको अपना आई लाइनर चाहिए, देन प्लीज़ गो विद द काजल बिकॉज ये स्मैच नहीं होता है. और अगर आप अपने अपर लिड्स में भी लगाते हो परफेक्टली रहता है. और एल्स यू कैन ऑल्सो प्रीफर दिस इनसाइड का लाइनर, इट इज़ अमेजिंग. ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा अगर आप नहीं रहोगे तो पक्का, बट इट इज़ वाटर प्रूफ एज वेल. और इसका जो होल्डिंग प्रोसीजर है दैट्स द बेस्ट थिंग, आई लव इट. सो ना
यहाँ पे थोड़ा सा काजल लग गया है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा काजल लगा लेते हैं नीचे लोअर लाइन पे भी, अगर काजल लगाओगे तो इट विल लुक गुड एंड डिसेंट टू। अगर आपके आईज़ को एनहेंस करना है देन यू कैन गो फॉर द वाइट काजल, बट वी आर नॉट डूइंग दैट थिंग, सो वी विल डू विद दिस ब्लैक काजल। Applying this in my waterline only. Okay. तो थोड़ा सा लाइक पूरा लुक ना हम आई का ही कर रहे हैं बेसिकली, सो तो एनहेंस द लुक वी विल यूजिंग दिस मार्श कॉस्मेटिक का मस्कारा। सो आई जस्ट लव दिस मस्कारा गाइज, यू कैन सी विदाउट आई लैशेस, क्योंकि ऑफिस में या फिर कॉलेज में आई लैशेस लगाना पॉसिबल नहीं होता है ना, ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं, आप जहाँ काम करते हो, हाँ ओकेजन है कुछ फंक्शंस है तब आई लैशेस लगाना ओके होता है, बट विदाउट डैट इट्स नॉट पॉसिबल, एक पॉसिबल इन द सेंस अच्छा नहीं लगता है ना हम लोग, सो लोअर लैशेस में भी लगा लिया। यू कैन सी द एप्लीकेटर कितनी अच्छी तरीके से लग गया है। अभी मूव ऑन करते हैं फॉर द ब्लश। सो आई हैव लाइक इन दिस पैलेट यू कैन गेट थ्री थिंग्स लाइक कंटूरिंग, हाइलाइटर एंड ब्लश, एंड फॉर द ब्लश इन जस्ट 150 rupees दिस इज अमेजिंग ब्लू हेवन का ब्लश। सो थोड़ा सा कंटूरिंग कर लेते हैं, कंटूरिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं शुगर का ये पैलेट, ये है कंटूरिंग का शेड। मैं आपको एक अमेजिंग सा ब्लश दिखाती हूँ, आपको हाई ये जो शुगर के पैलेट है उसमें आपको सब कुछ मिल ही जाता है, बट स्टिल ये वाला जो ब्लश है मैं आपको दिखाती हूँ। डेफिनेटली ये जो कलर है ये जस्ट 150 में आपको इतना ज़्यादा पिगमेंटेड मिलेगा ना, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद इट, जस्ट स्माइल एंड अप्लाई एंड ब्लश इज नॉर्मल, you just smile and apply this, okay, and then in nose thoda sa, because mujhe lal lal nose bahut pasand hai, that's the reason, okay, this blush aap dekh sakte ho it's pigmented but it's not looking over in your skin, definitely I will prefer this one, I just love this one. Again, maybe this will be this is my second pack I guess with different shade. Okay, for the highlighter, so अगर आपको ये makeup भी थोड़ा सा settle down करना है, you can use this both fixer, okay, both fixer. But जैसे कि मैंने पहले foundation के time पे ही fixer apply कर लिया था, so I'm not going to apply this again. बट अगर आपको लॉन्ग डे रहना है यू मे अप्लाई दिस। सो थोड़ा सा हाईलाइटर, थोड़ा सा ओके, इट्स ऑल्सो मुझे ये चीक बोन पे थोड़ा सा लगाना था, दैट्स थोड़ा सा नोज में एंड थोड़ा सा ओके, so it's fully up to you. So you can see this one, I am in love with this look. So let's move to the lipstick. So aap agar lip liner use karna chahte ho, you may go for the Swiss Beauty lip liner 14 ya 15, like 12 ya 14 ka shade aata hai, bahut beautiful sa hai, mere paas hai, but I will show in the next video, theek hai, agar alag look create karenge tab main aapko show karungi. So today I will be using this shade, I love this shade, inside ka controversy, so let us apply. तो आप देख सकते हो थोड़ा भी केकी नहीं लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल वाला है, और हम पहले इस पैसे करेंगे इस पास, देन ओके। मैं और एक बात बता दूँ, मेकअप से पहले यू हैव टू क्लीन योर फेशियल हेयर, अदरवाइज यहाँ पे दाढ़ी दाढ़ी लगता है ना,
मतलब हेयरी हेयरी लगता है बहुत ज़्यादा, तो मेकअप भी अच्छे से नहीं होता। इसलिए टू मेक योर मेकअप लुक परफेक्ट एंड नेचुरल, यू शुड यूज लाइक यू शुड रिमूव योर फेशियल हेयर फर्स्ट। ओके ऑल्सो अगर आप लुक थोड़ा सा हाई रख रहे हो, इनकेस इट्स अ टिप, अगर आप लुक थोड़ा सा हाई रख रहे हो देन यू शुड यूज अ पीजी लाइक लाइट कलर। ओके आपको डार्क शेड यूज नहीं करना है, तब आप एकदम लाइट शेड यूज कर सकते हो। एंड देन आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट। और अगर आपको ये मेकअप थोड़ा सा लाइक हैवी लग रहा हो लाइक ऑफिस के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये दोनों लाइक फिक्सर यूज़ करना है आपको, ठीक है। दोनों नहीं, एक तो मेरे पास ये वाला है स्विस बीट, एक इनसाइड वाला। इनसाइड का यूज़ करोगे ना बहुत ज़्यादा रिफ्रेक्शन लगेगा, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, बट ठीक है। मैंने थोड़ा सा ही किया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि ये पूरा सा सेटल डाउन हो जाए, लाइक कम हो जाए मुझे ये वाला लुक। ओके देन यू कैन गेट रेडी वेदर यू विश टू वेयर यूनिफॉर्म लाइक एनी कुर्ती और साड़ी और वट एवर यू वांट टू। यू कैन लाइक इन ऑफिस यू कैन वेयर दिस मेकअप एंड आई एम डैम श्योर यू गोना लव दिस। सो चेक, ओके सो मुझे तो मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा। आई होप एंड विश कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, आपके जो भी ऑफिस कलीग्स वगैरह है सबको भेजें। और आप लोग भी मुझे अपना लुक शेयर करिएगा मेरी इंस्टाग्राम पेज में जो है स्टाइल रिव्यू बाय स्मृति। सो मुझे मैं वहाँ पर भी आप मैंशन करके अपना लुक मुझे दिखा सकते हो, टैग कर सकते हो। सो या आई होप एंड विश कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज का ये लुक। आई होप एंड विश कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू लाइक डू कमेंट डू शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।